और इस चूल्हे का प्राइस होता है 350 रुपए। 350 यानी दोनों मिला के 400 रुपए में आपको पूरे किट काम हो जाता है। अच्छा, सबसे कम वाला आपके पास कौन सा होगा चूल्हा जो सिंगल में? हाँ, सिंगल में। सिंगल में सबसे कम वाला मेरे पास 200 रुपए से रेंज स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, 200 से रेंज स्टार्ट होता है। फिर आ जाता है सिंगल का स्टील वाला, ये हमारे पास ना 250 से रेंज स्टार्ट हो जाती है अगर हैवी क्वालिटी में लोगे, और लाइट क्वालिटी में लोगे तो 200 से स्टार्ट। स्टील में स्टार्टिंग रेंज है 500। अच्छा, 500 का। हाँ जी। अच्छा, सिक्स मंथ की इसकी गारंटी है। अच्छा अच्छा। अभी ये तो हो गया आपका, क्या कहते हैं, दो बर्नर का ना। इसकी ये इसकी रेंज अगर आप मान के चलो क्या कहते हैं रिटेल में लोगे तो आपको पड़ेगा 1800 रुपए में, और अगर आप होलसेल में लेना चाहोगे तो सर वो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। हमारा टू बर्नर वाला स्टार्टिंग रेंज है, इंडियन ग्लास है, एक साल की इसकी गारंटी होती है, कोई दिक्कत होगी हाथों हाथ रिपेयर करवा के देंगे। ठीक है, 1000 रुपीज़ का होता है। मार्केट में आपको आपके नियर बाय में 1600-1700 रुपए का मिलता है। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों मैं हूं अरुण सिंह, आप देख रहे हैं मेरा वीडियो चैनल अरुण सिंह मिशन। तो दोस्तों एक बार फिर लेके आ गया आपको सदर बाजार के लल्लू मिश्री वाली गली में, जहाँ पे आपको गैस चूल्हे और इसके स्पेयर पार्ट मिल जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा आपको 30,000 का पड़ेगा, वहाँ से आप ई रिक्शा लेके यहाँ पे आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों कवर करते हैं, एक शॉप है भाई गैस चूल्हे का और इसके स्पेयर पार्ट्स का, जो कि होलसेलर है और मैन्युफैक्चरर भी हैं। तो चलिए दोस्तों कवर करेंगे इस मार्केट को। तो दोस्तों देख रहे हैं ये वाली गली है भैया, आपको लल्लू मिश्री की गली है, इसी गली में चलेंगे। तो भैया ये शॉप नंबर है 349, ये देखिए श्री राम इंटरप्राइजेज के नाम से ये शॉप है भैया, ये है 3459 बट्टे एक गली लल्लू मिश्री कुतुब रोड सदर बाजार दिल्ली। तो इसी शॉप को आज कवर करेंगे, देखते हैं भैया क्या क्या इनके आइटम होते हैं, क्या क्या प्राइसेस होते हैं। तो एक ओवरलुक दिखा देता हूँ यहाँ का, देख लीजिए भैया के शॉप का। ठीक है, ओवरलुक में दिखा देते हैं क्या क्या होने वाले हैं इनके पास आइटम, और भैया ही बताएंगे क्या प्राइसेस होने वाले हैं, क्या क्या इसके इनके क्वालिटी होने वाले हैं। भैया अपना एक परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अमित कश्यप है, मैं श्रीराम एंटरप्राइज से बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा बेसिकली गैस चूल्हे का काम है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, और क्या कहते हैं हमारा सिर्फ होलसेल एंड रिटेल दोनों में डीलिंग करते हैं। दोनों में डीलिंग करते हैं। हाँ जी। अच्छा, शॉप कहाँ पे पड़ती है ये बता दीजिए। ये आप जैसे मान के चलो कुतुब रोड पे आओगे ना, कुतुब रोड से किसी से भी पूछ लेना, पुराना टांगा स्टैंड, टांगा स्टैंड के पास ही गली लल्लू मिश्रा है, गाय वाली गली काफी फेमस है, इसी गाय वाली गली के चौक पे ही शॉप है मेरी। अच्छा, आप अपना कोई मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट नंबर बता दें जिससे हमारे जो व्यूअर है आपसे कॉन्टेक्ट कर सके इसके लिए। मेरा मोबाइल नंबर है 7303973033। सबसे पहले क्या दिखाएंगे आप, आप जैसे स्टार्टिंग रेंज हमारी चूल्हे की जो है ग्लास वाली वो है 1000 रुपए की। अब ये की इस पे नजर डालिए, ये हमारा टू बर्नर वाला स्टार्टिंग रेंज है, इंडियन ग्लास है, एक साल की इसकी गारंटी होती है, कोई दिक्कत होगी हाथों हाथ रिपेयर करवा के देंगे। ठीक है, 1000 रुपीज़ का होता है, मार्केट में आपको आपके नियर बाय में 1600-1700 रुपए का मिलता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं स्टील में, स्टील में स्टार्टिंग रेंज है 500। अच्छा, 500 का। हाँ जी। अच्छा, सिक्स मंथ की इसकी गारंटी है। अच्छा अच्छा। अभी ये तो हो गया आपका, क्या कहते हैं, दो बर्नर का ना, ये बता दीजिए इसके बारे में। फिर आ जाता है सिंगल का स्टील वाला, ये हमारे पास ना 250 से रेंज स्टार्ट हो जाती है अगर हैवी क्वालिटी में लोगे, और लाइट क्वालिटी में लोगे तो 200 से स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, ये रिटेल प्राइस था कि होलसेल प्राइस था? ये सर होलसेल प्राइस था। अच्छा, होलसेल प्राइस। हाँ जी। इसके बाद क्या कहते हैं, कौन सा दिखा रहे हैं? इसके बाद आ जाते हैं आपका मेरे पास, फिर आ जाओ आप एक बार अंदर आ जाइए, बर्नर का आ जाता है ग्लास वाला। ठीक है सर, इसकी रेंज अगर आप मान के चलो क्या कहते हैं रिटेल में लोगे तो आपको पड़ेगा 1800 रुपए में, और अगर आप होलसेल में लेना चाहोगे तो सर वो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके लिए नंबर दिया हुआ, आप वहाँ पे कोऑर्डिनेट कर सकते हो मेरे से। ठीक है सर। अच्छा, ये 1800 रुपए का ये टफन ग्लास होता है? टफन ग्लास होता है सर, इंडियन टफन ग्लास होता है, इवन पूरे चूल्हे की एक साल की गारंटी होती है। एक साल की गारंटी होती है। हाँ जी सर, उसी में ही आ जाते हैं। अगर मान के चलो किसी कस्टमर को चाहिए कि सेम रेंज में भी मेरे को स्टील वाला चाहिए, तो ये स्टील वाला भी मिल जाएगा। इसकी रेंज स्टार्ट होती है 1500 रुपए से। 1500 रुपए इसकी भी एक साल की गारंटी होती है, इसमें कोई इशू की हाथों हाथ रिपेयर करवा के देंगे सर। उसके बाद अगर आप कोई कस्टमर चाहता है भैया हमें स्टील में थोड़ा हैवी क्वालिटी में देखना है, तो उसमें स्टील में हैवी क्वालिटी की आ जाते हैं। ये आपको पड़ेगी 2200 रुपए की। अच्छा, 2200 रुपए में। हाँ जी सर, 2200 रुपए में एक साल की इसकी गारंटी होगी, और ये स्टील की दोनों में क्वालिटी में काफी हैवी होता है। अच्छा, ये हैवी होता है। हाँ, ये हैवी होता है, इसकी बॉडी काफी बड़ी होती है, इसमें एक जम्बो बर्नर होता है, एक स्मॉल होता है और एक मीडियम होता है। अच्छा, मीडियम होता है। ये होता है किसी को घर में जल्दी काम करना, कोई गेस्ट आ गए 40-50 जने आ गए, तो उनके लिए इस बर्नर पे जल्दी काम हो जाता है। उसके बाद अगर किसी को और चाहिए भैया हमें थोड़ा और एक्सपेंसिव जाना है, हमें थोड़ा और स्टील में भी थोड़ा हैवी में जाना है, तो स्टील में आप ये हैवी वाला देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला आपको पड़ेगा 3800 रुपए का। ये 3800 रुपए का।
इवन ये मान के चलो 10 किलो का तो चूल्हा है, हैवी है, हैवी है, काफी हैवी है। ये ऐसी चीज है अगर एक बार किसी ने घर में लगा दी ना तो 10-15 साल कहीं नहीं जाने वाला। इसकी 3 साल की वारंटी होती है, 3 साल की इसकी वारंटी है। इसमें कोई इशू होगी हम हाथों हाथ रिपेयर करवा के देंगे, ऐसा नहीं कि हमने लेके रख लिया भैया आज नहीं कल आना परसों आना 3 दिन बाद। अच्छा ठीक है, उसके बाद आ जाते भैया। वैसे तो मेरे पास रेंज काफी है, स्टील के लेके 3 बर्नर से लेके 2 बर्नर से लेके काफी रेंज है। 2 बर्नर के मैंने बताया ना आपको 500 रुपए से रेंज स्टार्ट हो जाती है, 500 भी, 550 भी, 600, 650, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 और 2000 तक के भी चले जाते हैं अगर 2 बर्नर में आप स्टील में हैवी लेना चाहो। ठीक है, रेट उसी हिसाब से जिस हिसाब को आपको चूल्हे चाहिए। अगर आपको चाहिए भैया मेरे को और हैवी चाहिए, और हैवी चाहिए, तो भैया उसी हिसाब के और हैवी मिल जाएंगे और उसी हिसाब के रेंज भी हो जाएगी। स्पेयर पार्ट भी सब मिल जाते हैं, लाइटर भी है, सब चीज है। मान के चलो गैस स्टोव के ऐसे लेके जेड आइटम्स भी है, वो भी होलसेल में भी है, रिटेल में भी है। हाँ जी सर, और क्या कहते हैं, और बताइए इसमें क्या कहते हैं, मेरे पास सिंगल में ग्लास में भी होगा, स्टील में भी होगा। ठीक है, उसके बाद स्टील में भी क्या कहते हैं 10 तरीके का होता है सिंगल वाला, वो भी होगा मेरे पास। अच्छा, सबसे कम वाला आपके पास कौन सा होगा चूल्हा जो सिंगल में? हाँ, सिंगल में सबसे कम वाला मेरे पास 200 रुपए से रेंज स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, 200 से रेंज स्टार्ट हो, एक बार उसका वो दिखा देंगे ओवरलुक कौन सा है। एक सेकंड, हाँ बता दीजिए। ये आ जाता है सिंगल का स्टार्टिंग रेंज 200 रुपए की। ठीक है, ये 200 रुपए में हाँ, एक बर्नर का है, एक बर्नर का आ जाता है स्टार्ट है। ऐसा भी नहीं है कि चालू हैवी मतलब अच्छी क्वालिटी में है कि अगर कोई एक आदमी पीजी वगैरह में रहता है तो उसके लिए इसको यूज कर सकता है, सुटेबल रहेगा। हाँ, उसके लिए सुटेबल रहता है। 1 पर्सन के लिए आप इसमें इजिली खाना बना सकते हो, अपना खा सकते हो, ना ही ज्यादा गैस खर्च होती है इसमें ना कुछ होता। ठीक है, एक बंदे के लिए तो ठीक है। अब उसके बाद जो स्टील वाला था 2 बर्नर का, वो मैंने आपको दिखाई दिया, मेन उसमें लगा हुआ है, जो स्टार्टिंग रेंज होती है 500 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं, मार्केट में उससे भी हल्की क्वालिटी वाले काफी चल रहे हैं, जो लोग बाग बोलते हैं 400 रुपए, 400 रुपए का भी है, 450 रुपए का भी है। बट ये होता है कि ना सर, उसमें आग लगने का खतरा ज्यादा होता है। हम उसमें लो ग्रेड का सामान लगा तो दे, बट वही बात है ना, कस्टमर आगे जाके परेशान होता है, क्योंकि गैस चूल्हे का आइटम ऐसा होता है कि ना, जैसे कहते हैं ना, ग्राहक को ऐसा चाहिए कि भैया घर में आग ना लगे। ठीक है, गैस चूल्हे में हमेशा क्वालिटी अच्छी बनाए तो ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि भैया आग चूल्हे लगने का खतरा जल्दी रहता है, चूल्हे में सबसे जल्दी आग लग सकती है। एक रेगुलेटर होते हैं, पाइप होती हैं, ये सब अगर अच्छी क्वालिटी का लोगे तो ही बढ़िया रहता है। मेरे पास पाइप भी मिल जाएगी, और क्या कहते हैं सर, ये सब मान के चलो सारी रेंज है। ग्लास के भी आपको दिखा दिया था, एक सिंगल ग्लास का भी है, चलिए ये सिंगल ग्लास का भी मिल जाएगा। ये हमारे पास टफन ग्लास में 1 साल की इसकी गारंटी के साथ ये आपको मिल जाएगा 800 रुपए का इजिली। हाँ, ये 800 रुपए का इसलिए क्योंकि इसके अंदर ना थोड़ा हमने ज्यादा ही हैवी क्वालिटी बनाई हुई है। एक इसी के अंदर 600 रुपए वाली रेंज भी आती है, सेम ऐसी होगा, बट ये होता है मतलब कि इसके अंदर ना मशीनरी थोड़ी हल्की लग जाती है। हाँ, बस ये होता है। उसके बाद हमारे पास स्पेयर पार्ट वगैरह सब चीजें। स्पेयर पार्ट्स का कुछ प्राइस बता दीजिए। स्पेयर पार्ट्स का सर, एक ये देखिए, एल्यूमिनियम का एक पार्ट होता है, ये बेसिकली चूल्हे के नीचे लगता है, जो आपको आपकी मार्केट में लोकल में कस्टमर ना ग्राहक इसके 200-300 रुपए ले लेता है। हमारे पास ये इजिली 50 रुपए से स्टार्ट हो जाती है, 50 रुपए का सेट स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इसे बर्नर का भी बता दीजिए। बर्नर सर, ये है लोहे के बर्नर। अगर इसी में आप स्टील का लोगे, स्टील का कह रहा सॉरी, इसी में आप ब्रास का लोगे तो ब्रास वाला तो हैवी आता है, वो आपको कम से कम में ना 120 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। और ये तो लोहे वाला होता है, ये 50 रुपए का सेट मिल जाता है। 50 रुपए का सेट मिल, हाँ ये 50 रुपए का सेट मिल जाए। यही आपके लोकल मार्केट में, उधर अगर आप नियर बाय मार्केट में पूछोगे ना, तो आपको 100-150 रुपए का कम से कम देता है। और यही लाइटर हो गया, जैसे मान के चलो मिल्टन का लाइटर हो गया, उसके बाद ये निप्पो का लाइटर हो गया, ये सब है अच्छी रेंज वाले लाइटर है। ये आपको आपके लोकल मार्केट में मिलेंगे 150 रुपए, 100 रुपए, 120 रुपए। ये हमारे यहाँ पे 60 रुपए, 70 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, एक एक साल की इनकी गारंटी होती है लाइटर की। कोई इशू होगा आता रिप्लेस हो जाता है। अच्छा, इसका एक ये बता दीजिए, ये होता है हाई प्रेशर वाला रेगुलेटर, होता है ना छोटे गैस के लिए, क्या कहते हैं, जैसे मान के चलो ये हो गए ना भट्टियाँ होती है, हाँ ये वाली 350 रुपए की भट्टी है। अच्छा, इसी के साथ ऐसा क्या कहते हैं, इसका अंदर का पार्ट भी मिलेगा। ये होता है जब मान के चलो घर में 40-50 जने आ गए, गेट टू गैदरिंग हो गई, 100 जनों की भी गेट टू गैदरिंग हो गई, किसी को बाहर से नहीं खाना बनवाना, हलवाई नहीं बिठाने, तो ये आप इससे ना इजिली काम कर सकते हैं। ये बेसिकली ना हलवाई इस्तेमाल करते हैं, तो ये घर के लिए भी अच्छा रहता है कि अगर भाई जल्दी खाना बनाना हो, ज्यादा क्वांटिटी में खाना बनाना हो, तो वो इसके लिए यूज होता है, और ये उन्हीं के लिए यूज करा जाता है। इससे ये होता है गैस सिलेंडर जो होता है ना, हाई प्रेशर फेंकता है। क्या प्राइस होने वाला है इसका? इसका प्राइस होने वाला मेरे पास 50 रुपए से स्टार्ट होता है, 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए, फिर उसके बाद में जिस हिसाब का आप लेते चले जाओगे ना, उस हिसाब से रेट बढ़ते रहते हैं। और भी कुछ है? और पाइप मेरे पास स्टार्ट हो जाती है 40 रुपए से, 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए, फिर उसके बाद क्या कहता है, अगर आप ब्रांड की लेने चाहोगे ना, भैया हमें तो और अच्छी कंपनी की चाहिए, तो फिर और कंपनी के मेरे पास 100 रुपए से स्टार्ट होता है, 100 रुपए, 120 रुपए होता है ना जो लगाते हैं गैस के। हाँ वही वाली कह रहा हूँ, 100
रुपए 120 रुपए 130 रुपए ऐसे ऐसी रेंज से वो स्टार्ट हो जाता है। वो स्टार्टिंग क्या है उसका? 100 रुपए नहीं, उसकी स्टार्टिंग है अगर आप लूज लोगे, मान के चलो जो खुली हुई होती है कटवा के लोगे तो वो आपको पड़ेगी 40 रुपए मीटर। 40 रुपए मीटर, ठीक है। और अगर आप क्या कहते हैं पाउच में लोगे कंपनी की वारंटी के साथ लोगे तो वो आपको 100 रुपए से स्टार्ट। 100 रुपए से स्टार्ट, हाँ ठीक है। अच्छा एक ये चीज बता दीजिए, ये सामने जो है इसको बोलते हैं हीटिंग टॉर्च, ये मान के चलो मतलब काफी यूज में आती है, ये बेसिकली हमारे यूज में तो इसलिए आती है, क्या कहते हैं कि ना इसको क्या कहते हैं मुर्गा वगैरह जलाने के लिए काम आती है हीटिंग टॉर्च, हाँ रोस्ट वोस्ट करने के लिए काम आती है। और मान के चलो यही सेम आइटम ना चार पांच जगह अलग अलग जहाँ पे, जैसे मान के लो गाड़ी वाले भी इसको इस्तेमाल करते हैं, कोई कोई अपने अलग अलग तरीके में अलग अलग वे से इस्तेमाल होता है। क्या प्राइस होने वाला है इसका? इसका आप मान के चलो अगर बर्नर के साथ चाहिए तो आपको पड़ेगा 250 रुपए का। अच्छा 250 रुपए, हाँ। और इसके अंदर ना साइज आते हैं काफी, अगर आपको बर्नर बड़ा चाहिए कि भैया में तो और तेज आग पैक नहीं है तो उसी हिसाब से बर्नर रेंज बढ़ती जाती है। ये बेसिकली होता है ब्रास का आइटम, इसलिए थोड़ा महंगा आता है। अच्छा ऊपर आप कुछ वहाँ पे रखा हुआ है वो क्या? हाँ जी वो है क्या कहते हैं, एक सेकंड में दिखा देता हूँ आराम से। आराम से ये है गैस सिलेंडर छोटे वाले, हाँ जी वो जो पिकनिक वाले गैस को आते हैं ना, हाँ ब्यूटेन गैस है। ये मेरे पास हो जाता है 50 रुपए से स्टार्ट। 50 रुपए से हाँ जी स्टार्ट हो जाती है, 50 रुपए 60 रुपए 80 रुपए 100 रुपए 90। बेसिकली ये होता है ब्यूटेन गैस, आप जैसे मान के चलो ट्रिप पे जाते हैं ना तो लोग ऐसे वाला कैरी करते हैं सिलेंडर, और क्या कहते हैं गैस स्टोव। ये होता है इजीली आप कहीं पे भी इसको कैरी कर सकते हो, और मान के चलो किसी को ट्रिप पे मैगी बनानी है, पानी गर्म करना है, बच्चों के लिए दूध गर्म करना है, तो आप इजीली से गर्म कर सकते हो। ये एक सिलेंडर पूरी एक ट्रिप पे चल जाता है, 3-4 दिन इजिली चल जाता है, ज्यादा मतलब की मान के चलो आप एक मैगी बना सकते हो इससे, दूध गर्म कर सकते हो, तो ये मान के चलो हफ्ता भर चल जाता है। अगर आप 900 यूज करोगे तो 2 दिन, अगर पूरा मान के चलो सुबह भी लो दोपहर में भी लो शाम में भी लो, ज्यादा ज्यादा एक एक 1.5 घंटा चलाओगे तो ज्यादा देर नहीं चलता। बट ये होता है इसकी रेंज होती है हल्की, तो इसलिए कस्टमर ना 4-5 पीस साथ में ले जाता है। ठीक है। अच्छा क्या प्राइस होता है उसका? इसका तो प्राइस होता है आपका मान के चलो 50 रुपए, ठीक है। और इस चूल्हे का प्राइस होता है 350 रुपए, 350 यानी दोनों मिला के, 400 रुपए में आपको पूरे किट काम हो जाता है। 400 रुपए में समझ लो आप मान के चलो, अगर आप घर में एक होता है ना कि भैया हाँ हमें तो अपने लिए पर्सनल ऊपर अलग से चाहिए अपना छोटा मोटा काम, मैगी रात को मैगी वगैरह बनाने के लिए, तो आप उसके लिए भी इसको यूज कर सकते हो, इसमें ज्यादा मान के चलो एक्सपेंसिव है नहीं, और क्या कहते हैं गैस चल जाती है इसकी काफी। अगर आप मान के चलो मैगी वैगी बनाना है तो महीना भी अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो उसके लिए। अच्छा ये कितने होता है 200 मिलीलीटर में, कितने में है ये? एक सेकंड रुकना मैं इसमें देख के बताता हूँ, ये 320 ग्राम का होता है। 320 बेसिकली ना इसके अंदर जो गैस होती है ना वो ग्राम के हिसाब से आती है। अच्छा, आप अगर घर में सिलेंडर भी लेते होंगे तो उसमें केजी में रेट लिखा होता है ना, तो ये लीटर के हिसाब से नहीं आती है, ग्राम के हिसाब से आती है। इसके अंदर 320 ग्राम ब्यूटेन गैस होती है। यही मार्केट चलो मार्केट में ना 70 रुपए का भी चल रहा है, 80 रुपए का भी चल रहा है, बेसिकली ना कंपनी का डिफरेंस है। ये मान के चलो ये इंडियन मेड कंपनी है, बहुत सी होती है भाई चाइनीज मेड कंपनी होती है ना, उनका थोड़ा ना महंगा आता है। अच्छा इसके बाद ये बता दीजिए क्या चीज है? इसको बोलते हैं हम क्या कहते हैं सिलेंडर की छतरी। अच्छा, सिलेंडर आता है 5 किलो का, अगर किसी आदमी को चाहिए भैया मेरे को चूल्हा नहीं चाहिए सिलेंडर भी चाहिए और सस्ते में मेरा काम हो जाए तो ये उसमें लग जाता है। ये 80 रुपए की ये आती है। अच्छा, ये आप सिलेंडर के ऊपर लगा सकते हो, जैसे ये है 5 किलो का सिलेंडर, 5 किलो का सिलेंडर, हाँ जी ये पड़ता 450 रुपए, 450 रुपए का ये, 80 रुपए की ये इसके ऊपर ऐसे लग जाती है, ये इजिली एक चूल्हा बन सकता है। हाँ अगर आप एक आदमी, हाँ उसके लिए फायदेमंद होता है ये, वो पूरा तैयार करके मिल जाता है। ठीक है। तो ग्राहक ये होता है कस्टमर इसे मतलब कि जिसको चाहिए होता है ना कि भैया जो गांव से आते हैं ना लोग, बाकी भैया हमें यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए रहना, तो थोड़े टाइम के लिए वो इसको इजीली कैरी कर सकता है कहीं भी, और ये सस्ता पड़ता है। अब मान के चलो ये तो पड़ जाता थोड़ी महंगी रेंज में आ जाती है, बट ये होता है कि ना ये तो आप इसको महीना भर भी चला सकते हैं, एक आदमी के लिए तो महीना 1.5 महीना निकल आता है इसमें, 4-5 किलो गैस आ जाती है तो उसमें दिक्कत होती नहीं, हैवी होता है। और क्या कहता है इसके ऊपर ना ये भी कई तरीके की आती है। अच्छा कई तरीके की, हाँ 60 रुपए वाली भी आती है, 100 रुपए वाली भी आती है, 120 रुपए वाली भी है, इसके अंदर एक ऑटो वाली भी आती है, ऑटो वाली, हाँ ऑटो इग्निशन वाली भी आती है, वो थोड़ी और महंगी हो जाती है, और महंगी, हाँ जैसे क्या चाहिए होता है बहुत से हर तरीके का कस्टमर होता है, किसी भैया हमें तो थोड़ा और हैवी चाहिए, हमें थोड़ा लो ग्रेड का नहीं चाहिए, तो उसी हिसाब का होता है। दोस्तों वीडियो कैसे लिए कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राम दोस्तों।